कोई मसला नहीं है, मैं बता दूंगा तुझे, कल बता दूंगा। अच्छा एक मिनट रुक, क्या देख रहा है? क्या तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे यार फोन पे बात कर रहा था, अब बता क्या हुआ, पता पूछना है क्या किसी का? क्या देख रहा था? करीब से देखना, करीब से। छोड़ मुझे, तुम लोग छोड़ दो ना मुझे। चलो हमजा अंदर चलो। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ यार, पागल हो गया है क्या? नहीं हूँ। इसका इलाज कराए? नहीं भाई, भाई भाई माफ कर दे, भाई माफ कर दे, भाई 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 नहीं। क्या हुआ बेटा? हमजा तुम ठीक तो हो ना? जी जी अमित ठीक हूँ। कुछ चाहिए? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस सो रहा हूँ। अच्छा बेटा, क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमजा लोगों से मुख्तलिफ था, देखने में भी और बरतने में भी। जहाँ शख्सियत का अंदाज़ा देख के लगाया जाता हो और मुख्तलिफ होना जुर्म हो, वहाँ हमजा जैसा नौजवान कैसे जिएगा? क्या हमजा लोगों की ज़ुबान दराजी और तानों से बच के जी पाएगा? क्या उसकी दिली मुराद पूरी होगी? ये हैं हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूँ अब्दुल्ला फरहत। वो लड़की कौन थी? हेलो, क्या हो गया नादिया? इतनी देर से कॉल करो, तुम उठा क्यों नहीं रही थी? मैं सो रही थी फिरोज। टाइम देखा है तुमने? 12 बज रहे हैं। क्या? जी, आधा दिन निकल चुका है और तुम अभी तक सो रही हो। मुझे तो जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था। पता है मुझे, मैं सुबह से कॉल कर रहा हूं लेकिन तुम उठा ही नहीं रही थी। अब मैं नहीं आ सकता। क्या मतलब कि तुम नहीं आ रहे? मैं कैसे जाऊंगी? तुम्हारी मिस्टेक है ना, अब तुम खुद बुक दो। शट अप फिरोज, मुझे जाना है, अच्छी जॉब है। हाँ हाँ अच्छी जॉब है, तुम्हें जैसे मिल जाएगी ना। 1,00,000 लड़कियों ने अप्लाई किया होगा। 1,00,000 लड़कियाँ हो ही ना जाए, इतनी पढ़ी लिखी। इतनी पढ़ी लिखी? एमए की है तुमने? कोई अमेरिका से पीएचडी करके नहीं आई? जा रहा हूँ मैं, बाय। अम्मी चाय दे दें। आ जाए अम्मी। चाय तो ठंडी हो गई। तुम कब आए? जैसे ही तुम्हारा एसएमएस मिला मैं आ गया। अरे यार हमजा, मैंने सिर्फ पूछा था कि तुम आ सकते हो कि नहीं, और तुम बगैर बताए आ गए। अब तुमने कहा तो मैं आ गया। 20 मिनट लगते हैं हमारे घर आने में। वो पास में दोस्त के साथ था तो चला आया। बोलो कहाँ जाना है? मैं सोच रही हूँ कि मैं टैक्सी से चली जाऊँ। टैक्सी से क्यों? मेरी बाइक है ना। आपने बताया नहीं कहाँ जाना है। अब ये आप क्या होता है? आपा नहीं हूँ तुम्हारी, छोटी हूँ। हाँ हाँ वो तुमने बताया नहीं कि कहाँ जाना है। जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था। आंख जरा देर से खुली मेरी, फिरोज को कहा था पर वो नहीं आया। सॉरी। इट्स ओके। यहाँ इतनी जल्दी बुलाने के लिए सॉरी। तुम्हें तकलीफ होगी खामखा, पता नहीं वहाँ कितने लोग आए होंगे और कितना टाइम लगेगा। क्या करोगे तुम वहाँ? ऐसा करो तुम टैक्सी ले आओ। मैं वहाँ इंतजार कर लूंगा,
वैसे भी मुझे इंतजार करना अच्छा लगता है और आपके लिए करूँगा तो और अच्छा लगेगा। तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? हमजा तो बोल रहा था कि इमरजेंसी में तुम्हें कहीं जाना है, नादिया ने बुलवाया है। जी, और अभी ये बोल रही है कि नहीं जाना है, टैक्सी मंगवा दो। बेटा यहाँ पास से कोई टैक्सी नहीं मिलती, आने जाने में आधा घंटा लग जाएगा। तुम ये चाय पियो और जल्दी निकलो। अच्छा अम्मी, जा रही हूँ। बेटा चाय तो पीते जाओ, ठंडी हो गई है। मैंने कहा था उसे कि चाय ठंडी हो गई है। चलो हमजा। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे चाहता कोई और है। यही मामला था नादिया, फिरोज और हमजा का। कौन किसकी चाह में घुला जा रहा था खुदा जानता था, कौन किसके नसीब में है ये आगे चल के खुलेगा। फिलहाल ये देखिए कि हमजा ने कितना इंतजार किया और उसे और कितना इंतजार करना पड़ेगा। क्या मैं चला जाऊं? आपको देर हो जाएगी। मैं इंतजार कर लेता हूं ना। हेलो हेलो हेलो, कह भी ना पाए, रह भी ना पाए, क्यों बेवजह है। चलो कोई बात नहीं, इतना ही साथ था आज का। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जा। तो यूं कहो ना, बताओ क्या खाओगी? कुछ भी। ठीक है, मीठे घाट का पानी। ऐसे सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाया यार, खिला तो रहा हूँ ना। अब और क्या, बस के नीचे आकर जान दे दूँ अपनी? तुम आए क्यों नहीं? यार खुदा की कसम, बहुत ज़रूरी काम था, वरना तुम्हें सुबह कॉल क्यों करता मैं? आना तो तुम्हारे पास ही था, तुमने कॉल रिसीव नहीं की तो मैं किसी ज़रूरी काम से निकल गया। और वैसे तुम्हें बताया तो था मैंने। नहीं ना फिरोज, तुम्हें आना था। नहीं आया तो क्या हुआ, पहुँच तो गई थी ना तुम। और वैसे भी शादी के बाद कौन सा तुमने जॉब करनी है? मुझे जॉब करना अच्छा लगता है, और जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक करूँगी। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद अगर तुमने इजाज़त दी तो करूँगी, वरना नहीं करूँगी। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें शादी से पहले भी जॉब नहीं करनी चाहिए। अभी से ना लगाओ पाबंदियाँ। अच्छा ठीक है, टैक्सी मिल गई थी ना तुम्हें? टैक्सी से तो नहीं आई। तो फिर कैसे आई हो? वो हमजा आया हुआ था तो अम्मी ने कहा कि उसके साथ चली जाओ। उस चितकबरे के साथ? मेरा क्या कसूर है, तुम आए ही नहीं थे और वो वहाँ था तो मैं। तो अगर मैं नहीं होऊंगा तो शादी भी उससे कर लोगी? खुदा के लिए फिरोज, ये खाओ, ऐसी बातें करके मेरा दिमाग मत खाओ। मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाथ छोड़ो मेरा। पहले जवाब दो। हाथ छोड़ो। यार ये पैसे ले लो आके। मैं अभी खा रही हूँ। उस चित कमरे के साथ ही खा लेना। क्या हो गया, तुम हमजा से डर रहे हो? मैं तुमसे डर रहा हूँ। और मैं तुमसे। आज इंटरव्यू के लिए लेकर गया, कल खाना खिलाने ले जाएगा और फिर बस। बस करो फिरोज और चलो यहाँ से। हमजा फिरोज को एक आंख न भाता, हालांकि फिरोज हमजा से जाहरी तौर पे बहुत आगे था। फिर फिरोज को हमजा की जात से इतनी चिढ़ क्यों थी? कहीं उसे ये डर तो नहीं था कि नादिया उसकी मुट्ठी से निकली तो हमजा की झोली में जा पड़ेगी? खैर बात मामूली थी, लेकिन झगड़ा लंबा हो गया।
बेटा खाना खा लो, ठंडा नहीं कर देना। नादिया थोड़ी हूँ आंटी। इस लड़की की भी समझ में नहीं आती, खाना ठंडा करके खाती है और चाय को शरबत बनाकर पीती है। कोई बात नहीं आंटी, उसकी मर्जी जो करे। कोई बात नहीं आंटी, इंसान है थक जाता है, थक गई होगी। क्या हुआ बेटा, थक गई हो? सर दबा दो। ये क्या कर रहा है यहाँ? कौन, हमजा? बेटा वो तुम्हें ड्रॉप करके यहाँ पर आ गया था कि शायद तुम्हें उसकी जरूरत हो। वो अपने घर जाने के बजाय यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करने लगा। क्यों, जब मैंने उसे भेज दिया था तो यहाँ क्यों आया? बेटा कहा ना कि शायद तुम्हें उसकी नहीं है, मुझे उसकी जरूरत, समझी आप? बेटा आहिस्ता बोलो, कहीं वो सुन ना ले। तो सुन ले, मैं क्या उससे डरती हूँ? डरने की बात नहीं बेटा, वो तुम्हारा कजन है। अच्छा अगर आज वो यहाँ ना होता तो तुम इंटरव्यू के लिए कौन लेकर जाता? अच्छा हाँ, इंटरव्यू से याद आया, इंटरव्यू कैसा हुआ? भाड़ में गया इंटरव्यू, मुझे नहीं करना कुछ। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। कर दिया ना खाना ठंडा? हेलो फिरोज। हाँ बोलो। कहाँ थे तुम? यहीं था। तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने देखी नहीं थी। झूठ मत बोलो, तुम्हारा नंबर बिजी था, किससे बात कर रहे थे? कहा ना मैंने देखी नहीं थी। झूठ मत बोलो फिरोज, तुम्हें पता चल जाता है जब मेरी कॉल आती है, तो आज क्यों नहीं पता चला? चलो ठीक है, मैं झूठा ही सही, तो छोड़ दो ना मुझे, क्यों कॉल कर रही हो? नहीं नहीं फिरोज, ऐसा मत बोलो, इतनी सी बात को तुमने इतना बड़ा बना दिया है। जरा सी बात, जाते वक्त तुमने कुछ कहा मुझे, सॉरी बाय या कुछ और? आई थॉट कि तुम बोलोगे। अच्छा अब बोल रही हूँ ना, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि तुम उस चितकबरी की वजह से मुझसे झगड़ रही थी। कभी शक्ल देखी उसकी गौर से तुमने? मैं उससे हाथ मिलाना पसंद नहीं करूँ और तुम मेरा मुकाबला उससे कर रही हो। नहीं फिरोज ऐसा नहीं है, तुमने बात ही ऐसी की तो मैं बस ना दिया, मैं इस टॉपिक पर और बहस नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे, पर प्लीज मुझसे नाराज मत होना। अच्छा ठीक है, वादा करो। वादा? मेरे सर की कसम खाओ। मैं फोन रख दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे सोना है, मैं रखता हूँ फोन, बाय। ओके बाय, कल आओगे ना? पता नहीं। कैसी हो?
नादिया को फिरोज से वो हो चुका था जो बकौल गालिब लगाए न लगे और बुझाए न बने, और वो जो भी था उसका जादू सर चढ़ के बोल रहा था। उधर हमजा भी ख्वाब बुन रहा था। और ख्वाबों पे कभी किसी ने पाबंदी लगाई है? बहुत बोरियत हो रही है यार, क्या करें? समंदर में कूद जाओ। वाह, क्या एंटरटेनमेंट निकाल के लाया है मेरा दोस्त। यानी समंदर में होना समंदर की सारी मखलूक के लिए एंटरटेनमेंट है। मैं उस समंदर की बात नहीं कर रहा मेरे दोस्त। किस समंदर की बात कर रहा है? अच्छा, समंदर। नहीं भाई, एक ही काफी है समंदर में गोते खाने के लिए। गोते थोड़ी खा रहा हूँ, डूब रहा हूँ मेरे दोस्त। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं। नहीं, डूब गया। शादी करेगी वो तुझसे? मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ, मगर उसका नहीं पता। मेरी जान, 100% लड़कों का मसला यही है, वो किसी ना किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, मगर कोई लड़की उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। यार, मुझसे शादी कर लेगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगी? क्या कमी है मेरे दोस्त में? मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया था मेरे दोस्त, खुदा की तरफ से। मैंने थोड़ी ना कहा था कि ऐसा बनाओ। यार, जब मैं छोटा था ना तो मुझे सूरज पसंद था, चांद नहीं, क्योंकि चांद में दाग है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ ना तो मुझे एहसास हुआ कि चांद में दाग है तो क्या हुआ, उसकी चांदनी, उसकी रोशनी जलाती नहीं, सुकून देती है। तू चांद है मेरे दोस्त, तू चांद है, तू सुकून है, समझा? हर इंसान को सुकून चाहिए, और अगर उसे सुकून चाहिए तो वो तुझसे शादी करेगी, वरना सूरज की आग में जल के राख हो जाएगी। से नहीं, खड़े होकर। यार, मैं नादिया से शादी करना चाहता था, मगर शायद उसको मुझ में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। मैं जानता था उसे फिरोज पसंद है। मेरी दुनिया उम्मीद पे कायम थी। जा रही हो बेटा? जी अम्मी। हाँ, वो कीमा बनाया ना आज आपने? हाँ बेटा। गुड, तो ऐसा करें ना, थोड़ा सा पैक कर दें। वो कासिम चाचा के घर जा रहा हूँ ना, तो लेता जाऊँगा। क्यों जाते हो तुम बेटा वहाँ? क्यों ना जाऊँ, चाचा का घर है मेरे। बेटा, चाचा भी इस दुनिया में नहीं रहे, और उन लोगों की अपनी भी कोई ज़िंदगी है, शायद तुम्हारा जाना उनको अच्छा नहीं लगता। मुझे तो अच्छा लगता है ना। तुम जिसके लिए वहाँ जा रहे हो ना, वो तुम्हें कभी भी नहीं। बस करें अम्मी। अम्मी है कि अपने बच्चों को हौसला देती है, आप है कि मना कर रही है। हाँ, हौसला तो बढ़ाती है, मगर सच भी तो बताती है। तुम्हारी चची नादिया का रिश्ता फिरोज से ही करेंगी। नादिया जो चाहेगी वही होगा, आप फिक्र ना करें। वो मुझे पसंद करे या ना करे, मैं तो पसंद करता हूँ ना। वो भले मुझसे शादी ना करना चाहे, मगर मैं तो शादी करना चाहता हूँ ना। कौन किसके नसीब में लिखा है ये कौन जानता है। और अम्मी, आपने सुना है ना कि रिश्ते आसमानों में बनते हैं, और वो जो आसमान में बैठा ये सब देख रहा है ना, वो मेरे ही हक में फैसला करेगा, देखना। अच्छा, जल्दी करें ना, खाना पैक करें, देर हो रही है। हाँ हाँ, ठीक है, तुम आ जाओ, लेकिन देखो फिरोज, ज्यादा देर मत लगाना प्लीज। ओके ओके, बाय। आंटी है जी, खैरियत? वो मैं कीमा देने आया था। शुक्रिया। मैं जाऊं? हाँ। कौन है बेटा? आंटी, मैं हमजा, वो कीमा देने आया था आप लोगों को। अरे बेटा, अंदर आओ ना। नहीं आंटी, बस मैं। हटो ना दिया, बेटे से अंदर आने दो, जगह दो। बेटा अंदर आओ, चाय पी कर जाना।
ये कुछ सामान है, ले आओगे? जी जी। वहां जाके मुझे कॉल कर लेना, शायद कुछ और भी मंगवाना, और जब तक मैं ना कहूं ना वापस मत आना। कहां जा रहे हो बेटा? चाय बन गई है। वो अम्मी कुछ याद आ गया था जो मुझे मंगवाना था। आंटी बस मैं यूं आया था। फिरोज के बच्चे, कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? हाँ यार, एक जरूरी कॉल थी। अच्छा चलो ठीक है, आओ अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा तुम? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बैठो बेटा, खाना खाया तुमने? नहीं खाला। अच्छा है, मैं लगाती हूँ, कीमा खाओगे? अरे वाह, कीमा बनाया है, फिर तो जरूर खाऊंगा। वैसे बनाया किसने? नहीं नहीं, बनाया नहीं, मैंने बनाया है। क्या बात है, बड़ी कुकिंग हो रही है। बेटा लगाऊं खाना? जी खाला बिल्कुल। तुम तैयार हो गई? हाँ बस कपड़े चेंज करने हैं। क्या बात है, तुम घबरा क्यों रही हो? नहीं तो मैं तो नहीं घबरा रही। ठीक है तुम जाओ, कपड़े चेंज करके आओ। हाँ महविश, क्या हुआ? क्या अभी? नहीं नहीं, अभी नहीं आ सकता मैं। क्या समझा करो। ठीक है मैं आ रहा हूँ। यार कह दिया ना आ रहा हूँ। बाय। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने खाना लगा दिया है। नहीं खाला, वो एक दोस्त की कॉल आ गई है, वो कहीं फंसा हुआ बेचारा। आप नादिया से कहिएगा कि वो तैयार रहे, मैं फौरन आ रहा हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो नादिया ने कुछ सामान मंगवाया था। किसने मंगवाया था सामान? नादिया ने। मैं आया था तो उधर पहले कीमा लेके, तो उसने सामान लेने भेज दिया। अच्छा तो वो कीमा तू लेकर आया था? हाँ। तुमने खाया? हाँ खा लिया। Da 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 da
जब मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ वापस नहीं आना तो तुम क्यों आए? वो मैंने आपको कॉल की थी मगर आपने कॉल ही नहीं उठाई तो मैंने सोचा कि चला जाता हूँ। कुछ कॉमन सेंस है तुम में कि नहीं उल्लू? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, चलो खाना खाते हैं। मुझे नहीं खाना खाना, आप लोग खा लें। तुम्हें कोई मिला तो नहीं बाहर? हाँ फिरोज ने देखा था बाहर मुझे, लेकिन सीधे वो बात ही नहीं की मुझसे। क्या फिरोज ने तुम्हें बाहर देखा? वही हुआ जिसका डर था। हमजा की वजह से पहले ही एक झगड़ा हो चुका था। क्या आपकी तदीद वफा का इम्कान है? फिरोज मुझसे बात करो। फिरोज अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। झूठ बोला तुमने मुझसे, और वो भी उस हमजा के लिए। कभी देखा है तुमने उसको गौर से? बाहर लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और नादिया साहिबा उसे पसंद फरमा रही है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। जब मना किया था कि उसका जिक्र दोबारा नहीं होना चाहिए, जिक्र तो छोड़ो, वो तो घर चल कर आ गया और उसी का लाया हुआ कीमा ये कहकर खिलाया जा रहा है कि कीमा मैंने बनाया है। वाह, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया। मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था कसम से। तुम शादी से पहले ये कर रही हो तो पता नहीं शादी के बाद क्या क्या करोगी। पता चला मैं घर से बाहर हूँ और हमजा। प्लीज फिरोज ऐसी बातें नहीं करो। क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? मैं उसको साफ मना कर दूंगी। अब कोई जरूरत नहीं। क्या मैं तुम्हें साफ साफ मना कर रहा हूँ? नहीं नहीं फिरोज, मुझे आंटी ने फोन किया था कि नादिया की तबीयत बहुत खराब है, मगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। मैं घर गया कि शायद मेरे कहने पे नादिया चली जाए। बेटा उठो, डॉक्टर को दिखाओ, हमजा आ गया है। चलो उठो उठो बेटा। मुझे नहीं जाना। बेटा डॉक्टर के पास नहीं जाना या हमजा के साथ नहीं जाना? दोनों। बेटा तुम चाहती क्या हो? मौत। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तुम्हें मेरी कसम है, उठो वरना तुम क्या मरोगी? मैं मर जाऊंगी। मैं हमजा के साथ बाइक पे नहीं जाऊंगी, उसे कहेंगे रिक्शा ले आए। चलो सही, तुम चलो तो सही।
क्या हो गया भैया, मछली के ऊपर दूध वूध पी लिया था क्या? हेलो एक्सक्यूज मी, बकाया तो लेते जाओ। रख लो दिल दुखाने के। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? चलो चलते हैं। मिल जाए हम तो सब कुछ सही है, फिर इस तरह क्यों है अजनबी। थैंक यू। मामलात उलझते जा रहे थे। नादिया को यकीन था कि फिरोज जरूर वापस आएगा। क्या फिरोज वापस आएगा? हेलो, कौन? फिरोज की होने वाली बीवी। क्या, कौन हो तुम और क्या कह रही हो? दस मिस कॉल्स आती हैं, आइंदा अगर कॉल की तो अच्छा नहीं होगा, समझी? शादी का कार्ड भिजवाऊंगी मगर आने की जरूरत नहीं है। फिरोज ने शैला से शादी कर ली। मुझे लगा शायद अब नादिया को मेरी कदर हो। मैंने अम्मी से बात की। तब क्या चाहते हो तुम? अम्मी मैं चाहता हूँ कि आप आंटी से नादिया का हाथ मेरे लिए मांगे। वो तुमसे क्यों शादी करेगी? तो किससे करेगी? बहुत पहले मैंने तुम्हारी आंटी से जिक्र किया था मगर उसने कहा इन दोनों को तो कोई जोड़ी नहीं है, इन्होंने घर में थोड़ी रहना है, बाहर भी जाना है। लोग हमसा को देख के तरह तरह की बातें करते हैं और नादिया ही बर्दाश्त नहीं करेगी। बस उसके बाद बेटा मैंने कभी जिक्र ही नहीं किया। तब की बात और थी अम्मी, मुझे लगता है कि अब नादिया पहले जैसी नहीं रही और ना ही आंटी। 4 महीने हो गए फिरोज की शादी को, आप जाके एटलीस्ट बात तो करें। ठीक है। नादिया ने हाँ या ना कहने से पहले एक बार मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। आ गए तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि आप तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। क्यों? पता नहीं, हमेशा से मेरा दिल कहता था कि तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी और दिल तो कुछ भी सोचता है ना। दिल से कहो कि वो ठीक सोचता है, मुझे सुकून चाहिए और तुम सुकून हो। हर किसी को नहीं मिलता। नादिया ने हाँ तो कह दिया था मगर मुझे डर था कि कहीं उसको मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो, बाद मुझ पे हो और तकलीफ उसको। ऐसे वसवसे सताने लगे मुझे। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। खुद को देखा है तुमने? तुम इस काबिल हो? तुमने तो समझौता कर लिया तानों से, तुमने तो सहली लोगों की चुभती नजरें। क्या नादिया सहलेगी? क्या फायदा है ऐसे रिश्ता जोड़ने का जो बाद में टूट जाएगा? नहीं टूटेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा। मसला मुझ में नहीं, लोगों की नजरों में। उनके लिए मैं अपनी खुशियां क्यों खो दूं? तुम टूटोगे, तुम वहम हो, तुम टूटोगे। मैं बहुत खुश हूँ, नादिया मेरा चेहरा है। मुझे एहसास ही नहीं होने देती कि मुझ में कोई कमी है। शायद हम दोनों ने एक दूसरे को मुकम्मल किया है।
ऐसे क्या देख रहे हो? आज तक ऐसे इंसान नहीं देखा क्या? जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वा करे कोई। तो ये जो दिल की आंख है, देखना इसी का है, इसी का एतबार है, यकीन इसी का है, बाकी सब धोखा है, फरेब है। हो देखना तो दीदाए दिल वा करे कोई, वरना कभी कभी